पश्चिम बंगाल में दो महिलाओं को वस्त्रहीन करने के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गंभीर सवाल उठाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राज्य में दो महिलाओं का निर्वस्त्र कर दिया जाता है, लेकिन सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार ने न कोई बयान दिया और न ही कांग्रेस ने कोई सवाल उठाया। ईरानी ने कहा कि सरकार मणिपुर मामले पर संसद में चर्चा चाह रही थी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि विपक्ष ने इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा में जिस तरह दो महिलाओं को वस्त्रहीन किया गया, उस पर कांग्रेस कुछ नहीं कह रही, क्योंकि उसको टीएमसी के साथ गठबंधन का लालच है। उन्होंने राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का जिक्र करते हुए कहा कि आपके मंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि मणिपुर से ज्यादा महिला उत्पीड़न राजस्थान में हो रहा है। उन्होंने यह कहा और अशोक गहलोत ने उनको बर्खास्त कर दिया, जबकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पश्चिम बंगाल में दो महिलाओं को वस्त्रहीन करने के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गंभीर सवाल उठाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राज्य में दो महिलाओं का निर्वस्त्र कर दिया जाता है, लेकिन सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार ने न कोई बयान दिया और न ही कांग्रेस ने कोई सवाल उठाया। ईरानी ने कहा कि सरकार मणिपुर मामले पर संसद में चर्चा चाह रही थी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि विपक्ष ने इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा में जिस तरह दो महिलाओं को वस्त्रहीन किया गया, उस पर कांग्रेस कुछ नहीं कह रही, क्योंकि उसको टीएमसी के साथ गठबंधन का लालच है। उन्होंने राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का जिक्र करते हुए कहा कि आपके मंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि मणिपुर से ज्यादा महिला उत्पीड़न राजस्थान में हो रहा है। उन्होंने यह कहा और अशोक गहलोत ने उनको बर्खास्त कर दिया, जबकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया।